पूरे देश में विश्व महिला दिवस को महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। इसी कड़ी में लोरमी में महिला बाल विकास ने विश्व महिला दिवस का आयोजन किया, जहां क्षेत्र भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित हुए। वहीं स्कूली बच्चों के साथ महिलाओं ने भी नुक्कड़ के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने की का प्रयास किया गया, जहां मुंगेली जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही क्षेत्र के प्रभावशील जनप्रतिनिधि नारी शक्ति भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं विश्व महिला दिवस के अवसर पर नारी जागृति के बारे में जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने मुंगेली संवाददाता प्रीतम दिवाकर के साथ विशेष बातचीत की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो नारी शक्ति के रूप में हमारे साथ में मौजूद हैं, जिला पंचायत मुंगेली जिला पंचायत के अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर जी, जो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं। वो बताएंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला दिवस के संबंध में हम उनसे बात करने चाह रहे हैं। जी मैडम, बताएंगे आप महिला और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर 3 ब्लॉक के नेतृत्व कर रही हैं, जिसमें क्या फील कर रहे हैं, क्या कठिनाई हो रही है आपको? जी मैं अपने क्षेत्र के सभी समस्याएं एवं विकास कार्यों के निराकरण के लिए जा रही हूं, और मैं एक जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मुझे खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रही है कि मैं गांव-गांव जा कर के जो भी हमारे चिन्ह मजदूर हो या गरीब हो या दिनहीन हो या कमजोर व्यक्ति हो, उन सभी की समस्याओं को मैं दूर कर पा रही हूँ। यदि इस विषय में यदि मुझे छोटी मोटी कोई भी कठिनाइयाँ होती हैं तो ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती, बल्कि उनकी समस्याओं को हल करने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है। जी, जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जिला वासियों की मूलभूत सुविधा जैसी बहुत सारी कार्य हैं, जैसे राशन यानी पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, आवास की समस्या है, ऐसे विकास कार्य करवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जी, आपके द्वारा लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी, इसमें महिलाओं के जो आप उत्थान के लिए इतने कार्य किए हैं उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं? जी मैं लगातार अपने क्षेत्र में दौरा कर रही हूँ, महिलाओं की समस्या की जानकारी ले रही हूँ, और जो जानकारी मुझे मिल रही है, नशा के कारण जो महिलाएं हैं, महिलाओं को अनेकों प्रकार की अत्याचारों की सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं महिला कमांडो का गठन कर रही हूँ, और गठन करके उन अत्याचार से उन्हें मुक्त करा रही हूँ। और जो हमारी सरकार की योजना है स्वसहायता समूह, उसमें उन लोगों को जोड़कर जो हमारी सरकार की योजना है उसमें काम दे रही हूँ और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं